गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहले आते हैं एटम पर। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के बारे में आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ही था कि वो सारे सब्सटेंसेस जिनका मास होता है या स्पेस होता है उन्हें हम मैटर कह सकते हैं। तो एटम भी एक तरह का मैटर है, पर ध्यान रखेंगे ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस पर्टिकुलर मैटर का। इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है फ्री स्टेट में। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब ये फ्री नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाम आपने सुना होगा, एक एलिमेंट है ये। सेम ऐसे ऑक्सीजन, ये भी एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन, ये भी एक एलिमेंट है। तो इस तरह से ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं और इन अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं। एटम सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन का ये एटम है, ऑक्सीजन का ये एटम है, नाइट्रोजन के केस में चले तो ये एटम है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे एटम्स डिफरेंट हैं क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, इसलिए एटम्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। अब ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं ये जब आपस में कंबाइन होते हैं, सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए एंड कंबाइन होने के बाद ये फॉर्म करते हैं वाटर। तो ये फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एंड जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए वेरियस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड उन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड कुछ लॉज बने हैं। उन लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कंबाइन हो रहे हैं वो सारे। कंबाइन कौन कौन हो रहे हैं? जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं एंड कंबाइन होने के बाद वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए उनको हम बोलेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होने से मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है ना, पर ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। आपकी 9th क्लास में सिर्फ दो ही लॉ हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये फर्स्ट पहला लॉ। एंड सेकेंड है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ये दो ही लॉ आपके सिलेबस में हैं, इन्हीं की स्टडी आपने करना है। बाकी जितने लॉज हैं उनकी स्टडी आपने क्लास 11th में करना है। तो अब आते हैं अपन सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ये क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इसके बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय लेवोसियर। ये लेवोसियर साइंटिस्ट का नेम आपने ध्यान रखना है कि लेवोसियर साइंटिस्ट ने इस लॉ को प्रपोज किया है, ये डिस्कवर किया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं मतलब बना सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैथमेटिकली चले तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मैथमेटिकली मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। आप देखिए ये मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट्स ले लीजिए आप इसको क्योंकि दो रिएक्टेंट्स होंगे कम से कम। सो मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन सिंबल एच, हमने ऑक्सीजन लिया है, इन दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन किया मतलब हमने प्लस लगा दिया एंड इसके बाद हम फॉर्म कर रहे हैं वाटर। वाटर का फॉर्मूला 9th क्लास में आ गया तो सभी को पता ही है, H2O होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो वाटर है इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। एंड एक्सपेरिमेंट से पहले मतलब एरो से पहले जो एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए।
अब ये जो रिएक्टेंट है इनका जो मास है, सपोज करिए, सपोज मान लीजिए इनका मास है 70 ग्राम, तो जो प्रोडक्ट है इसका मास भी कितना आएगा, 70 ग्राम आएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या हो रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। तभी तो हम बोलेंगे कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये करेक्ट है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी पर्टिकुलर लॉ को वेरीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपकी बुक में नहीं दिया है, बट इसको समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक हमने इस तरह से ट्यूब ले ली है, एच शेप ट्यूब, एच शेप ट्यूब हमने ली है, और इस एच शेप ट्यूब में यहां पर एक साइड हमने फिल किया है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन फिल करते हैं। एंड सेकंड पार्ट में यहां हमने फिल किया है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो दो अलग अलग पार्ट में हमने दो अलग अलग सॉल्यूशन फिल किए हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, और ऊपर से हमने इसको पैक कर दिया कि सॉल्यूशन कहीं गिर ना जाए। और इस एच शेप ट्यूब को यहां बीच से हमने पकड़ा और उसको वेइंग मशीन पर रखा, एंड वेइंग मशीन पर रखने के बाद इसका वेट किया, तो सपोज मान लीजिए वेट आया 50 ग्राम्स। अब हम क्या कर रहे हैं, उस वेइंग मशीन से उस एच शेप ट्यूब को उठा रहे हैं और उसको शेक कर रहे हैं। अच्छे से हमने शेक किया, जैसे ही हम शेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं ये एक दूसरे मिक्स होंगे इस पर्टिकुलर पाथ से, और जब दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे मिक्स होंगे तो फिर केमिकल रिएक्शन होगी, एंड केमिकल रिएक्शन होने के बाद नए सब्सटेंस बनेंगे। मतलब आफ्टर एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। फिर से हम वही ले लें एच शेप ट्यूब, ये हमने वापस बना ली है एच शेप ट्यूब, वही है। अब ये ना सोचिए कि ये साइज इसका छोटा हो गया, शेक किया तो साइज छोटा हो गया, ये मतलब नहीं है। वो डायग्राम हमने कुछ इस तरह से बना दिया, बाकी सेम वही की वही ट्यूब है। दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया है, तो अब जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है इसमें दो चीजें हैं, एक है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और एक है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, और ये दोनों ही पार्ट में है, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, यहां भी है और यहां भी है, दोनों जगह है, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन आपस में हुई है और इस टाइप से दो अलग अलग सॉल्यूशंस फॉर्म हुए। और अब आफ्टर एक्सपेरिमेंट यदि हम इसका वेट करें तो इसका वेट भी कितना आ रहा है, 50 ग्राम आ रहा है। बिफोर एक्सपेरिमेंट वेट 50 ग्राम, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वेट 50 ग्राम, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेक्ट है। आगे हम सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट से रिलेटेड फॉर्मूला बताएंगे इसी चैप्टर में आगे, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों को उत्सुकता है। तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला AgCl होगा, सोडियम नाइट्रेट फॉर्मूला NaNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये हम फॉर्मूला लेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl ये फॉर्मूला होगा। मतलब AgNO3 और NaCl इनके आपस में रिएक्शन हुई एंड AgCl एंड NaNO3 का फॉर्मेशन हुआ, तो ये प्रोडक्ट्स हो गए, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई। अब एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक का, इसको अपन यहां देते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जो आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट एक्टिविटी दिखाई गई है चैप्टर नंबर 3 की, उसी को हम ले रहे हैं यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें ये जो शेप होता है ये कोनिकल फ्लास्क का है, कोनिकल फ्लास्क, एंड इस कोनिकल फ्लास्क में एक सॉल्यूशन फिल किया है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से मीनिंग है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन से मीनिंग है वाटर सॉल्यूशन,
कि सोडियम सल्फेट इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, सोल्यूशन बना लिया, तो सोडियम सल्फेट एक्वा सोल्यूशन बन गया। अब आपने एक लेना है छोटी सी ट्यूब, इसे हम बोलते हैं इग्निशियन ट्यूब। ये छोटी सी ट्यूब हमने ले ली और इस छोटी सी ट्यूब में थोड़ा सा हमने फिल किया है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ये अलग 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 नाम है, सब आपने ध्यान रखना है। बेरियम क्लोराइड फिल कर दिया और हमने इसमें एक थ्रेड बांध दी, थ्रेड धागा बांध दिया, इग्निशन ट्यूब को धागे से पकड़ लिया और उसको हमने ऐसा लिया है। और इस ट्यूब को हम डाल रहे हैं यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे तो शेप कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये आपने थ्रेड बांध दी थी जैसे, ये थ्रेड को हमने बाहर निकाल लिया। अभी ट्यूब को गिराना नहीं है, मतलब इसके अंदर का सोल्यूशन और ये सोल्यूशन दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, मिक्स नहीं हुए। और हमने यहाँ पर रबर कैप लगा दी इस तरह से, और फिर इस पूरे के पूरे कोनिकल फ्लास्क को हमने यहाँ से पकड़ा और उसको हमने वेइंग मशीन पर रख दिया और उसका वे लिया। सपोज मान लीजिए इसका वेट आ गया है 100 ग्राम्स। अब हमें क्या करना है, उस वेइंग मशीन से कोनिकल फ्लास्क उठाना है और उसको अच्छे से शेक करना है। अच्छे से शेक करेंगे तो अब क्या होगा, ये जो इग्निशन ट्यूब है ये इसमें गिर जाएगी एंड बोथ सोल्यूशन एक दूसरे मिक्स हो जाएंगे। एंड बोथ सोल्यूशन जब एक दूसरे मिक्स होंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे वो थोड़ा सा देख लें। कॉर्क वैसे ही लगा हुआ था, सेम वही की वही कोनिकल फ्लास्क है, छोटी नहीं हो गई है। वो डायग्राम अब एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, पर वही तो वही कोनिकल फ्लास्क है। टू प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए इसमें, एक है सोडियम क्लोराइड एंड एक है बेरियम सल्फेट। वैसे आपको काफी कुछ समझ आ रहा होगा, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो इसका क्लोराइड इसका सोडियम जुड़ गया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इसका सल्फेट और इसका बेरियम जुड़ गया तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। बाकी ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये फिर आगे देखेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर में। फिर कुछ फॉर्मूलेस ले लें। फॉर्मूले लेने से पहले इस कोनिकल फ्लास्क का भी हम वेट करें, तो यहाँ भी वेट कितना आएगा 100 ग्राम। बिफोर एक्सपेरिमेंट वेट 100 ग्राम, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वेट 100 ग्राम। इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सो इस तरह से, अच्छा फॉर्मूले की बात है तो फॉर्मूला भी ले लें। सोडियम सल्फेट फॉर्मूला Na2SO4, देन बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला BaCl2, सोडियम क्लोराइड NaCl, बेरियम सल्फेट BaSO4। ये इस तरह से हमारे फॉर्मूले हो गए। इसी लॉ से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट और देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को भी ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, अलग से दिया है, तो उसको भी अपन ले लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसमें भी आपने कोनिकल फ्लास्क लेना, ये लिया हमने कोनिकल फ्लास्क और इसमें हम डालते हैं सैंड। सैंड, सैंड आप जानते ही, रेत बालू ये आप डाल सकते हैं इसमें, और फिर कुछ पीसेस डाल दीजिए इसमें फॉस्फोरस के, फॉस्फोरस ये भी आप जानते हैं, फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, ये इसके कुछ पीसे हमने डाल दिए। एयर इसके अंदर फिल है, एयर में मेनली ऑक्सीजन होती है, और एक रबर कैप से हमने इसको पैक कर देना है और इस पूरे के पूरे कोनिकल फ्लास्क का हम वे करें। सपोज मान लीजिए वे आ गया है इसका 200 ग्राम्स, क्योंकि सैंड डाल दिए तो वेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो 200 ग्राम वेट आ गया। अब इस कोनिकल फ्लास्क को वेइंग मशीन से उठाया और हीट किया, गरम किया। जैसे ही हम गरम करेंगे तो फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इनकी आपस में रिएक्शन हो जाएगी, एंड रिएक्शन होने के बाद एक गैस फॉर्म होगी, उस गैस का नाम है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड गैस। एंड गैस फॉर्म होने के बाद हमने फिर से उस कोनिकल फ्लास्क को कूल करना है, ठंडा करना है। ठंडा करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगी,
मतलब हमें फ्लास्क कुछ ऐसा दिखेगा, ये है सैंड, वैसी पड़ी रहेगी, सैंड के साथ कुछ नहीं होगा, फॉस्फोरस के पीसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और एक गैस बना लेंगे, ये गैस है, और ये गैस यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी, क्यों, क्योंकि आपने रबर कॉर्क लगाया हुआ है, ये गैस यहीं की यहीं रहेगी, एंड ये जो गैस है ये होती है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की गैस, पेंटा ऑक्साइड, फॉर्मूले पे आएंगे अभी थोड़ी देर में, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की गैस फॉर्म हो गई, मतलब केमिकल रिएक्शन तो हो गई। अब इस फ्लास्क को थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि हॉट गर्म चीज़ों को कभी भी हम वेइंग मशीन पर नहीं रखते हैं, तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो गैस है वापस लिक्विफाई हो जाएगी या सॉलिड में कन्वर्ट होगी, नहीं होगी, वो गैसियस फॉर्म में ही होगी, बट होल जो हमारा फ्लास्क है वो ठंडा हो जाएगा, एंड ठंडा होने के बाद फिर वापस जब हमने इसको वेइंग मशीन पर रखा तो इसका वेट भी हमें 200 ग्राम ही मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि बिफोर एक्सपेरिमेंट वेट 200 ग्राम है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट भी वेट कितना है, 200 ग्राम है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेक्ट है। रही बात फॉर्मूले की तो वो भी रहे, ऑक्सीजन O2 हम शो करते हैं, वैसे तो ऑक्सीजन सिंबल O होता है, बट ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं हम इसे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एंड फॉस्फोरस P ये सिंबल है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉर्मूला P2O5 ये इसके फॉर्म। तो ये था भाई हमारा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू।